हमारे गुरुजी 100% सही थे, सही हैं और सही रहेंगे। ये लोगों की अपनी सोच है, जो जैसा खुद होता है वो सामने वाले को वैसा ही दिखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। एक और महिला हमारे साथ जुड़ी हैं और बताएंगी जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है डेरा सच्चा सौदा के साथ। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुमन इंसान। डेरा सच्चा सौदा से जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, आप कब से जुड़े हैं ये बताइए। हम डेरा सच्चा सौदा से दूसरी पातशाही से 30 सालों से जुड़े हुए हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया आपको, तो जनता जानना चाहेगी कि इतने लंबे समय में आप लगातार जाते रहे हैं, आप एक महिला हैं, क्या आपने डेरा सच्चा सौदा में कभी कुछ गलत होते हुए देखा है? डेरा सच्चा सौदा में ऐसा कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ जो ये मीडिया दिखा रही है। हमें नहीं पता ये मीडिया किसके इशारे पर ये कुछ बोल रही है, लेकिन हमारे गुरु जी बिल्कुल पाक पवित्र हैं, थे और हमेशा रहेंगे। मीडिया में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया था गुरु जी के बारे में, गुरु जी के डेरा सच्चा सौदा के बारे में, क्या कहना चाहोगे? कितनी प्रतिशत जो सच्चाई है मीडिया की बातों में? मीडिया की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हमारे गुरु जी 100% सही थे, सही हैं और सही रहेंगे। ये लोगों की अपनी सोच है, जो जैसा खुद होता है वो सामने वाले को वैसा ही दिखता है। जो नरकंकाल पाए गए थे मीडिया के हवाले से, मीडिया ने जो अफवाह उड़ाई थी, जनता उसका जवाब जानना चाहती है। आखिर वो नरकंकाल जैसी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? वो नरकंकाल नहीं थे, वो पिताजी ने मुहिम चलाई थी कि अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में न बहाकर प्रदूषण न फैलाया जाए, उसे यहीं डेरे के अंदर दफनाकर उस पर पेड़ लगाया जाए। गुरुजी ने महिलाओं के लिए क्या किया? गुरुजी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, जैसे विधवा विवाह वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। आपका अपने गुरु पे जो विश्वास है कितना है? गुरुजी के पर जो विश्वास है उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, हमें उन पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास है। अगर गुरुजी समाज के बीच में आ जाते हैं तो क्या क्या जो बदलाव हैं वो गुरुजी के आने से हो सकते हैं? गुरुजी ने हमें जो बदलाव किए हैं वो सबके सामने ही हैं, लेकिन मीडिया वो चीज़ क्यों नहीं दिखा रही जो पिताजी ने बदलाव किए हैं? उन्होंने गरीबों के लिए घर बनाना, उनकी अनाज का प्रबंध करना, बाढ़ जहाँ होती है वहाँ मकान बनाने, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन मीडिया वो नहीं दिखा रही। पता नहीं उनको इस ना दिखाने के क्या फ़ायदे हैं। अगर गुरुजी समाज के बीच में आ जाते हैं तो जो लड़कियों पे अत्याचार हैं वो कितने प्रतिशत उसमें अत्याचारों में गिरावट हो सकती है? उनके आने से इन सब चीज़ों में 100% गिरावट होगी, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज पिताजी हमारे बीच में नहीं है। वैश्याओं के लिए क्या किए? वैश्यावृत्ति रोकने के लिए उन्होंने वैश्याओं को डेरे में जगह दी, उनकी शादियाँ करवाई, उनके घर बसाए, बहुत सहायता की उनकी। काफ़ी लोग जो मीडिया के माध्यम से ग्रीनस वेलफेयर फोर्स को जानते हैं, तो उसके बारे में वो जानना चाहते हैं आखिर वो जो फोर्स है वो है क्या चीज़, किस तरीके से कार्य करती है, किसके लिए कार्य करती है? ग्रीन फोर्स बहुत अच्छे कार्य करती है। जहाँ कभी कोई बाढ़ आती है या कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट है, वहाँ सबसे पहले ग्रीन वेलफेयर पहुँचते हैं, लेकिन ये मीडिया नहीं दिखाती कभी भी। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से यही अपील है कि पिताजी को जल्द से जल्द बाइज्जत बरी किया जाए और संगत के बीच जल्द से जल्द आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप सबने देखा, जो मीडिया है उसने कभी सच्चाई दिखाया ही नहीं। नरकंकाल, नरकंकाल को ही ले लिया जाए। गुरुजी ने जो गंगा जी है उसको भी साफ करने का बीड़ा उठाया था, उसके बावजूद जिसको हम अपनी माता कहते हैं हिंदू धर्म में, जो गंगा पूजनीय योग्य है, उसको साफ करने का बीड़ा उठाया था। वहाँ पर अस्थियाँ ना बहाने की बजाय उन पे पेड़ पौधे, ताकि वो पेड़ पौधे कैल्शियम और फास्फोरस जैसी चीज़ें लेकर और फले फूले और ऑक्सीजन, यानी कि हमारा वातावरण शुद्ध करें, ना कि गंगा जी को हमारी गंदा करें। इतना बड़ा जो कदम है एक संत सोच रहा है, मतलब इतिहास में कभी किसी ने नहीं सोचा, उसके बावजूद मीडिया इतना गंदा दिखा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि मीडिया कितनी गिरी हुई है, कितना वो देश का हित चाहती है और कितना वो अपना हित चाहती है। जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।